हेलो एवरीवन, आई एम आकाश बगाड़े। अवर टुडेज टॉपिक इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक, हियर इज समथिंग अबाउट मी। आई एम डन माय एमएससी इन जूलॉजी। नाउ आई एम परसुइंग माय पीएचडी फ्रॉम एसपीपीयू पुणे। आई हैव क्वालिफाइड नेट महाराष्ट्र सेट फॉर लेक्चररशिप एंड गेट अल्सो। तो अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। एबिलिटी टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये जो दो चीज़ें हैं, दोज आर द फंडामेंटल प्रोसेसेस। ये एबिलिटी है हर कोई ऑर्गेनिज्म की। बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ और they arise from a single cell, that is fertilized egg or zygote। multicellular organism हो या unicellular organism हो, वो अपनी life की जो start है, उनकी life start जो होती है वो single cell से होती है। अगर हम multicellular organism देखें तो ये multicellular organisms grow होते हैं by addition of new cells which arise by division. Addition of new cells which arise by the division of pre-existing cells. जो pre-existing cells है, वो pre-existing cells का division होने के वजह से cell क्या हो जाएंगे? New cells produce हो जाएंगे, और वो new cell produce होने से क्या हो जाएंगे? Multicellular organisms form हो गए। The cell division or cell reproduction maintains the continuity of life. क्या important है cell division का? Basically cell division जो होती है या cell reproduction जो होता है, those are responsible for to maintain the continuity of life. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं cell division क्या होता है। Cell division जो है वो एक process है, okay? It is one of process in which a single parent cell divides into two daughter cells, okay? एक parent cell जो होगी, single parent cells divide होगी दो daughter cells में, उसे हम बोलते हैं cell division. अब हम देखते हैं कि cell cycle क्या होती है, okay? Cell cycle is the sequence of events by which cell duplicates its genome. Cell क्या कर रही है? Duplicates कर रही है उसका genome. Synthesis of the cellular components synthesis कर रही है and eventually divides into two daughter cells. So cell उसका genome duplicate कर रही है, synthesis कर रही है cellular components और उसके बाद divide हो रही है, तो ये क्या हो रहा है? Cyclic manner हो रहा है, okay? ये सब चीजें cyclic manner में हो रही है, इसे हम बोलते हैं साइकिल। और ये एक के बाद, ये सीक्वेंस में हो रहा है, एक के बाद, ओके? सो इट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। सो फेजेस ऑफ सेल साइकिल, बेसिकली सेल साइकिल कंटेन्स टू फेजेस। एक तो होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज और माइटोटिक फेज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से इतना जो है वो है आपका इंटरफेज, जिसमें G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है और यहाँ पे M फेज है, ओके? जिसमें कि हमें चार स्टेजेस देखने को मिलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, ओके? अगर हम लोग इंटरफेज के बारे में देखें तो इंटरफेज इज फर्दर डिवाइड इंटू G1, G0, S एंड G2 फेज, ओके? अब ये हम लोग इंटरफेज डिटेल में देखेंगे, वन बाय वन उसके सब स्टेजेस देखेंगे। इंटरफेज दिस इज द लॉन्गेस्ट नॉन डिवाइडिंग ग्रोइंग फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है, नॉन डिवाइडिंग है और ग्रोइंग है, मतलब यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं हो रही है, यहाँ पे सेल सिर्फ क्या हो रही है? ग्रो हो रही है। इट इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल, बहुत ही एक्टिव फेज है सेल साइकिल की। सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द डिवीजन, यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल खुद को प्रिपेयर कर रही है सेल डिवीजन के लिए, ओके? सो प्रिपेरेटरी फेज हम बोलते हैं,
ओके, इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, प्रिपेरेटरी फेज। सो इंटरफेस प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द डिवीजन। सेल डुप्लीकेट्स इट्स ऑर्गेनली एंड रेप्लीकेट्स डीएनए। ओके, यहाँ पे सेल क्या हो रही है, डुप्लीकेट्स कर रही है उसके सेल ऑर्गेनली, और डीएनए का भी क्या हो रहा है, यहाँ पे रेप्लीकेशन हो रहा है। सो सेल ग्रोथ एंड रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर्स इन कंट्रोल्ड मैनर। सेल की जो ग्रोथ हो रही है या सेल में डीएनए रेप्लीकेशन हो रहा है वो बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में होता है। इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेस्टिंग फेज, इसे हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। क्यों इसे हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, क्योंकि ये जो फेज है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती सेल डिवीजन में। ओके, मतलब सेल डिवाइड नहीं होती। ओके, अलाउ नहीं है सेल को डिवाइड करना इंटरफेज में। सेल डिवाइड होगी एम फेज में। इंटरफेज में सिर्फ प्रिपरेशन होगा डिवीजन के लिए। ओके, द क्रोमोजोम आर नॉट विजिबल एट इंटरफेज। इंटरफेज में हम क्रोमोजोम देख नहीं सकते, हम क्रोमोजोम सिर्फ देख सकते हैं या हमें ऑब्जर्व होते हैं एम फेज में। इट कॉन्स्टिट्यूट्स मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। अगर हम सेल साइकिल का ड्यूरेशन देखें तो उसमें 95% क्या होता है, इंटरफेज में ही होता है, और रिमेनिंग जो होते हैं उसमें एम फेज होती है या सेल की डिवीजन होती है। सो इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू G1, G0, G0, S एंड G2 फेज। ओके, सो अब हम वन बाय वन देखेंगे। G1 फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट गैप फेज और फर्स्ट ग्रोथ फेज। दिस इज द इंटरवल बिटवीन एम फेज एंड एस फेज। G1 फेज जो है वो इंटरवल है बिटवीन एम फेज एंड एस फेज। दिस इज द फेज बिटवीन द माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस, इसके बीच में हमें क्या होता है, एम फेज देखने को मिलती है। इट रिमेन्स मेटाबोलिकली एक्टिव। दिस इज द मोस्ट एक्टिव, मेटाबोलिकली एक्टिव फेज ऑफ द इंटरफेज। Not synthesize or replicates DNA. यहाँ पे DNA replicate नहीं हो रहा है या DNA synthesis नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या synthesis हो रहा है, यहाँ पे nucleotide synthesis हो रहे हैं, ATP synthesis हो रहे हैं, protein synthesis हो रहे हैं, amino acid synthesis हो रहे हैं, RNA synthesis हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें G1 phase में synthesis हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें required है during S phase. Okay? जब हमें डीएनए का सिंथेसिस करना है या डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तब हमें ये सारी चीज़ें लगने वाली है। न्यूक्लियोटाइड्स हमें लगेंगे, एटीपीज हमें लगेंगे, प्रोटीन्स लगेंगे, अमीनो एसिड्स लगेंगे, आरएनए लगेंगे। ओके, ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस ऑल्सो इन द G1 फेज। G1 फेज में ही ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेशन होंगे। नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, द लेंथ ऑफ G1 फेज वैरीज फ्रॉम वन सेल टू अनादर सेल। एक सेल से दूसरे सेल, ओके, ये क्या करता है, जो लेंथ होती है G1 फेज की वो वैरी करती है। इफ द सेल डिवाइड्स फ्रिक्वेंटली G1 इज शॉर्टर। अगर सेल बहुत फ्रिक्वेंटली डिवाइड कर रही है तो G1 फेज क्या हो जाएगी, शॉर्टर रहेगी। इफ सेल डू नॉट डिवाइड फ्रिक्वेंटली देन G1 फेज इज लॉन्गर। ओके, अगर फ्रिक्वेंटली डिवाइड कर रही है तो G1 क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, और अगर वो बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं डिवाइड कर रही है कोई सेल तो G1 उसमें क्या हो जाएगी, लॉन्गर हो जाएगा। ओके, देन G0 फेज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वेसेंट फेज। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स अकर्स इन G0 फेज। अगर सेल्स, कोई भी सेल डिफरेंशिएट हो रही है दैट मीन्स वो जो है वो G0 फेज में है। ओके, या हम उसे बोलते हैं कि G0 फेज में वो अरेस्ट हो गई है। ओके, नॉन डिवाइडिंग सेल्स एंटर्स इन G0 फेज। ओके, जो सेल्स नॉन डिवाइडिंग होते हैं वो G0 फेज में एंटर करते हैं। ओके, सेल एंटर्स इन G0 फेज, फॉर एग्जांपल हर्ट मसल्स, और यू कैन से द नर्व सेल्स इन एनिमल्स, ये जो होते हैं वो एंटर्स होते हैं G0 फेज में। ओके, क्योंकि इन दोनों में डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती, वो डिवाइड नहीं कर सकते।
Cell remains active but do not proliferate unless they are called on to do so. Cells active तो रहते हैं but वो proliferate नहीं करते, वो multiply नहीं होते जब तक उनको कहा ना जाए. Now, S phase और synthesis phase. Synthesis और replication of DNA occurs in the S phase. It is the phase in which cell doubles the DNA. DNA यहाँ पे क्या हो रहा है? Double हो रहा है. For example, if the initial amount of DNA is denoted by 2C, अगर हम initial DNA के amount denote करें 2C से, then after the S phase, the amount of DNA would become 4C. अगर हम पहले 2C denote कर रहे हैं DNA के amount, तो वो further S phase complete होने के बाद उसकी amount क्या हो जाएगी? 4C means double हो रहा है. DNA क्या हो रहा है? Double हो रहा है. The amount of nucleic acid, that is DNA, a genetic material, doubles. Okay? Nucleic acid के amount, या आप लोग DNA बोल सकते हैं या genetic material बोल सकते हैं, वो उसकी जो amount है वो क्या हो रही है? Double हो रही है. But the number of chromosome remains same. जितने भी क्रोमोजोम उस सेल में है उनके जो नंबर रहेंगे वो सेम ही रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल 23 पेयर्स है तो 23 पेयर्स ही रहेंगे, या मोर प्रिसाइजली आप बोलिए 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम तो 46 ही रहेंगे. क्रोमोजोम्स के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ द अमाउंट ऑफ डीएनए विल डुप्लीकेट्स और वो डबल हो जाएंगे. इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज DNA replication begins in the nucleus and the centrioles duplicates in the cytoplasm. अगर हम animal cells के बारे में देखें, तो DNA replication जो होता है, वो nucleus में होता है, but जो centrioles का duplication होता है, वो cytoplasm में होता है. Centrioles are required for the M phase. Okay, centrioles जो होते हैं, वो हमें लगते हैं M phase के लिए, but the most important thing, the centrioles are absent in plant cell. Plant cells mein centrioles nahi paaye jaate. Now, next phase, G2 phase or second growth phase, ya hum usse second gap phase bhi bolte hai. This is the phase present between S and M phase. Okay, S phase or M phase ke beech mein jo phase hoti hai, usse hum bolte hai G2 phase ya second growth phase. या सेकेंड गैप फेज. यहाँ पे क्या होता है? The tubulin protein which synthesis takes place in this phase. Okay, tubulin proteins हमें important है in M phase. Okay, mitotic या cell division के time में हमें tubulin की बहुत जरूरत होती है. Tubulin protein, ये जो tubulin protein होते हैं वो G2 phase में synthesis होते हैं. उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडीज एंड क्लोरोप्लास्ट, ये जो सेल ऑर्गेनेली है वो सेल ऑर्गेनेली भी कहाँ पे सिंथेसिस हो रही है या कहाँ पे डुप्लीकेट्स हो रही है? तो G2 फेज में. डीएनए सिंथेसिस स्टॉप इन दिस फेज बट आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस फॉर द नेक्स्ट फेज. डीएनए यहाँ पे सिंथेसिस होना बंद हो जाता है, मगर कुछ आरएनए एंड कुछ प्रोटीन जो है यहाँ पे सिंथेसिस होते हैं, जो कि हमें नेक्स्ट फेज में लगने वाले हैं. इसके बाद नेक्स्ट फेज जो होती है वो होती है एम फेज. तो एम फेज में जो कुछ भी प्रोटीन्स हमें लगने वाले हैं या आरएनए हमें लगने वाले हैं, वो सब G2 फेज में फॉर्म होते हैं. तो ये सेल साइकिल में से इंटरफेज हमने देख लिया. ओके, so thank you, please like, share and subscribe my channel Biogeek. Thank you once again.